तो इससे पहले मैंने जो है रिव्यू करी थी रोगन की तरफ से आने वाला बॉम्बर जैकेट की, जिसपे कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने कमेंट करा था कि भाई 1000 के रेंज में जो है एक बॉम्बर जैकेट लेके आओ, तो ये मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक फिर से बॉम्बर जैकेट। बाकी हम इसे खोलते हैं और निकालते हैं अपने बॉम्बर जैकेट को और देखते हैं कैसा है हमारा बॉम्बर जैकेट, और मैं जो आपको पहन के भी दिखाऊंगा, तो वीडियो जो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए इसे हम खोलते हैं, अनबॉक्सिंग का मजा ही अलग है। तो ये देख सकते हो अपना जैकेट, कुछ ऐसा लगता है देखने में, बाकी मैं जो है आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो अपना जैकेट, और इसमें जो आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, कलर का जो है आप चिंता मत करना। बाकी मैंने जो है ऑलिव ग्रीन सेलेक्ट किया है, इससे पहले मैंने जो है करा था वो था ब्लैक कलर का, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट जरूर करना। बाकी ये देख सकते हो अपना जैकेट, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एक टैग दिया गया है हियर एंड नाउ का, और इस पे जो है इसकी MRP दी गई है 3499 रुपये पर। ये जो है आपको मिंत्रा पे मिल जाएगा 1299 रुपीज, मैंने जब ऑर्डर करा था तब था, अभी जो इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, बाकी आप चेक करते रहना, इसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो ये देख सकते हो अपना बॉम्बर जैकेट जो कि ऑलिव ग्रीन कलर में आता है। जैसा कि मैंने बोला कि इसमें जो है आपको और भी कई कलर ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। बाकी इसके मटेरियल की बात करें तो ये जो है पॉलिस्टर से बनाया गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ चेन की क्वालिटी अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, तो चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे जो है वेस्ट में आपको कप्स देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो है ऑलिव ग्रीन ब्राउन और ग्रे कलर का जो है कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण ये पट्टी इसका जो है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। उसके अलावा पॉकेट में जो भी जो है आपको चेन देखने को मिलता है, ये देख सकते हो, और चेन की क्वालिटी जैसा कि मैंने बोला बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा आप साइज मैंने जो है M सेलेक्ट किया है, आपको जो भी आता है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। हियर एंड नाउ की ब्रांडिंग की गई है, और स्लीव्स में भी जो वही कलर कॉम्बिनेशन का जो है आपको कर्व्स देखने को मिलता है, और पूरा जो है ऑलिव ग्रीन है। और अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं तो पीछे जो है पूरा प्लेन है जैसा कि आप देख सकते हो, और अंदर से भी जो है पूरा पॉलिस्टर का यूज़ किया गया है, तो आपको जो है थोड़ी सी भी इसमें जो है ठंड वगैरह नहीं लगने वाली है। और इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा जो है एक डील है, बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए। उसके अलावा एक साइड जो है आपको अंडर पॉकेट भी इसमें देखने को मिलता है, जिसमें कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है चुरा के रख सकते हो, जिससे कि आपकी चोरी भी नहीं होगी। और ये है अपना एक बॉम्बर जैकेट जो कि आता है हियर एंड नाउ की तरफ से। मैं जो है यहाँ पे पहन के दिखा दूंगा कि कैसा लगता है ये देखने में, इसकी फिटिंग मुझ पर कैसी होती है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये पसंद हो तो आप जो है मिंत्रा से परचेज कर सकते हो, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।